हेलो हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आजकल नेट का हम टावर के जस्ट नीचे में है, फिर भी नेट नहीं आ रहा है। सब स्केल कर रहा है फुल। दोपहर में प्रॉब्लम हुआ था टावर की, अभी इस टाइम में टावर के जस्ट नीचे ही आ गया हूँ। एक मिनट स्क्रीन शेयर करें, देखो तो दिख रहा है आप लोगों क्या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे कि इसको देखो, ये देगा फॉल्स, और जैसे ये फॉल्स दिया तो ये हमको दे दिया जीरो। अब हम ऑपरेट किसको करेंगे, तो ऑपरेट करेंगे हम इसको वन और जीरो होगा आपका। क्या करेगा, वन और जीरो मतलब वन को हम ऑपरेशन करेंगे कौन से ऑपरेटर के साथ, तो जीरो के साथ। वन आपका ये वन और जीरो, ये क्या देगा रिजल्ट, यानी और ऑपरेटर है और ऑपरेटर है। हाँ, तो और का क्या होता है ट्रुथ टेबल, ये तीन जगह होता है वन और एक जगह होता है जीरो। जी हाँ, तो फॉल्स ये फॉल्स फॉल्स में होता छोड़ है देगा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जीरो जीरो पर फॉल्स होता है। जी, हाँ, तो ये आपका ट्रू देगा, तो क्योंकि देगा और का हम लोग जानते हैं क्या होता है रिजल्ट, ये आपका दे देगा आपको ट्रू। ये एक्चुअली वन, ये वन जो है, ये जीरो जो है, ये गलत है, वो काटा हुआ है। इसका रिजल्ट आपका फाइनली वन हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं आपका इसका आंसर फाइनली वन हो जाएगा, ठीक ना। चलो, अच्छा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको देखो, ए बराबर आपका कि कितना है, 5 ग्रेटर देन 8 और 5 ग्रेटर देन 2। तो पहले किसको हैंडल करेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको हैंडल करेंगे। हाँ, और उसके बाद इसको हैंडल करेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में इस मतलब जो रिजल्ट है ना, तो हम बढ़ते हैं आगे। कैसे करेंगे, तो इसको हैंडल कर लेंगे, तो 5 ग्रेटर देन 8 ट्रू
ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर, फॉल्स है सर, फॉल्स है। तो ये दे देगा हमको रिजल्ट जीरो, यानी फॉल्स। अब हम बात करते हैं कि ये 5 > 2 ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है सर, ट्रू है। तो ये ट्रू है, तो ये आपका दे देगा रिजल्ट क्या, 1 दे देगा। अब इस दोनों को मिला करके, इस दोनों को मिला करके कि 0 0 और 1, तो 0 और 1 क्या देगा जी? ट्रू सर, 0 और 1 ट्रू देगा। तो ये आपका हो गया रिजल्ट बराबर ट्रू, और ट्रू को बोलते हैं हम लोग 1, ठीक ना। तो चलो ये भी आंसर आ गया हमको, इसका भी आंसर आएगा ये बराबर 1, ठीक। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर, इसको देखो, इसको देखो। ए बराबर 8 < 5 और 2 > 5, तो 8 < 5 ये क्या देगा हमको? फॉल्स देगा, 0। और ये क्या देगा हमको? ये भी 0 देगा, फॉल्स देगा सर, 0। और 0 0 के बीच में कौन सा अपर है? ये वाला फॉल्स होगा सर, फॉल्स 0 देगा। हाँ, तो 0 0 और 0 रिजल्ट 0, ठीक है। तो हम चलो देखो इसका आंसर है ना 0, अब कैसे है वो अलग, आप तो समझ गए कि 0 कैसे है, ठीक। चलो कुछ और एग्जांपल है, 1 2 एग्जांपल है, बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसको देखो, ए बराबर नॉट, यानी ए बराबर नॉट 1 और 1 > 5 और 5 और 0 और 0 > 0 < 0। बड़ा कॉम्बिनेशन लग रहा है सर, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर हैं, कौन कौन है? एक नॉट है, एक देन है, फिर एक और है, फिर एक क्या कहते हैं नॉट है, फिर एक लेस देन है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि पहले किसको करेंगे, पहले नॉट वाले कि पहले लेस देन वाले को कि पहले और वाले को? तो हम सबसे पहले करते हैं रिलेशनल को, ये भी आपका रिलेशनल है और ये भी आपका रिलेशनल है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी का आपका ये वाला है। अब चलो हम ये कह रहे हैं आपको कि आपका ये भी रिलेशनल है और इक्वालिटी भी रिलेशनल है और बराबर नॉट भी रिलेशनल है, तो इस तीनों रिलेशनल में से सबसे टॉप प्रायोरिटी का ये आपका ये होता है, ये चाहे ये नहीं आ रहा होगा। तो हम ये भी बताए थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक ग्राफ बताए थे कि 10 को लेकर 1 पर क्या होता है पेरेंथेसिस, 2 पर क्या होता है नॉट और यूनरी प्लस माइनस, ठीक है ना, 3 पर क्या होता है अलजेब्रिक, ये याद है ना आप लोगों को जी? नहीं याद है तो कम से कम नोट्स इसलिए बोलते बनाने के लिए कि जब कभी फंस जाए तो नोट्स में जाके हम लोग देख लें, कि इसी को यहीं पर दिखा दीजिए आप लोगों को। ना समझ गए, नहीं बनाते आप लोग नोट्स, देखो कम से कम नोट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जी, ऐसा नहीं है। पैरेंथेसिस हम क्या बोले थे कि देखो पहले इसको देखो, पांचवा लाइन को देखो और छठा लाइन को देखो, तो छठा लाइन में ना आपका जी बराबर नॉट है कि नहीं है छठा लाइन में? यस हाँ। तो और पांचवा लाइन में क्या है आपका? ये सब है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो इसमें टॉप प्रायोरिटी का कौन है? पांचवा वाला पर टॉप प्रायोरिटी का है आपका। तो ये आप लोग को हम बोले थे ना कि याद रखने के लिए, जैसे भी याद रखो, पहले आपका ये है, पहले आपका ये, उसके बाद ये, ठीक है ना, उसके बाद आपका ये और उसके बाद आपका ये, उसके बाद ये, उसके बाद है सबसे लास्ट में असाइनमेंट। तो हमने क्या देखा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? कुछ बोलना था, कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना। नहीं बोलना, चलो। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर कितने ऑपरेटर है, एगो बराबर नॉट है, एगो ग्रेटर देन है, एगो और है, एगो बराबर नॉट है, ये आपका लेस देन है। तो सबसे पहले किसको हैंडल करेंगे जी? पहले हम
इस वाले को हैंडल करेंगे, हाँ इसको हैंडल करेंगे और इसको हैंडल करेंगे, दोनों को हैंडल करेंगे, इसको और इसको, इसको हैंडल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कहीं जाएंगे, तो चलो हैंडल करते हैं पहले उसको। तो पहले हम लोग इसको हैंडल करते हैं, उसके बाद लेफ्ट से राइट इसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो वन ग्रेटर देन फाइव, टू है कि फॉल्स जी? फॉल्स है सर। ये देगा जीरो, और जीरो लेस देन फाइव, इसको देखो, इसको इसको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जीरो लेस देन फाइव क्या देगा? ट्रू देगा, ट्रू, यस सर, ठीक है ना। तो अब इसको हम रिप्लेस कर दिए, इसको रिप्लेस कर दिए यहाँ से जीरो से, और इसको रिप्लेस कर दिए वन से, एज इट इज उतार दिए हम इसको, इसका रिजल्ट यहाँ पे उतार दिए, रिजल्ट उतार दिए। अब आपका एक क्वेश्चन हो गया, अब आपका एक क्वेश्चन ये हो गया नया एक क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं कि ये आपका है बराबर नॉट, और ये आपका बराबर नॉट, दो को ऑपरेटर है और वो आपका और है, और है, एक मिनट रुक जाओ। तो अब हम हैंडल किसको करेंगे, पहले इसको हैंडल करेंगे कि पहले इसको हैंडल करेंगे कि पहले इसको हैंडल करेंगे? तो यहाँ पर देखने की बात है कि ये वाला बराबर नॉट, ये वाला बराबर नॉट क्या है आपका, वो रिलेशनल है, रिलेशनल है कि नहीं है? यस सर। और ये और क्या है आपका, तो लॉजिकल है, लॉजिकल है ना। तो पहले किसको हैंडल करते हैं, रिलेशनल को कि लॉजिकल को? रिलेशनल को सर। हाँ रिलेशनल को, तो पहले रिलेशनल को हैंडल करेंगे, यानी पहले हम बराबर नॉट वाले को हैंडल करेंगे, वो भी लेफ्ट से राइट, क्योंकि दो गो है ना। यस सर। तो पहले हम इसको हैंडल करेंगे, तो ये क्या देगा रिजल्ट हमको कि वन बराबर नॉट टू क्या देगा जी? ट्रू होगा सर। ट्रू, तो ये हमको दे देगा ट्रू। ठीक उसी प्रकार जीरो बराबर नॉट ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? ट्रू देगा, देगा। ये आपका वन हो गया, वन हो गया, और ये एज इट इज उतर गया, ये एज इट इज उतर गया, तो वन और वन क्या होगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह झट से हो जाएगा, बताओ ये आपका a बराबर 5 ग्रेटर देन 2 और 2 लेस देन 5 बराबर नॉट। सबसे पहले किसको हैंडल करेंगे, कॉमन सेंस बात वाले, सबसे पहले इसको हैंडल करेंगे, उसके बाद इसको हैंडल करेंगे, ठीक है ना। अब एज इट इज उतार देंगे, तो 5 ग्रेटर देन 2 यस ट्रू होगा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं सेकंड वाले सर्किल को, इसको 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 इसको, तो 2 लेस देन 5 ये भी ट्रू देगा, ये भी 1 हो गया आपका, ये भी 1, ये भी 1, बहुत बढ़िया। अब हो गया आपका नया वाला स्टेटमेंट, ये हो गया नया वाला स्टेटमेंट। तो 1 अब यहां पर भी बराबर नॉट है, यहां भी आपका बराबर नॉट है, यहां भी बराबर नॉट है, और यहां पर और है, तो और तो लॉजिकल हो गया, तो लॉजिकल को तो बाद में, यानी इसको बाद में, तो पहले किसको किसको, तो पहले भाई साहब इसको करो, उसके बाद इसको करो, और उसके बाद टोटल को जो रिजल्ट आएगा वो, तो यानी हम करते हैं अब, और क्या, तो ये क्या देगा हमको, ये हमको 1 बराबर नॉट ट्रू देगा कि फॉल्स देगा जी? ट्रू देगा सर। ट्रू, और ये 1 बराबर नॉट 5 ये ट्रू देगा, और बचा हमको कि 1 और 1, क्योंकि ये वाला 1 जो है ना, क्योंकि ये वाला 1 जो आपका यहां पर, ये वाला 1 जो यहां पे आ गया एज इट इज, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 बताओ, 1 और 1 ट्रू देगा सर, ट्रू देगा, ट्रू देगा सर, बहुत बढ़िया। 1 और 1 यानी ए बराबर मेरा 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया इतना, ठीक है, ये आपका हो गया एंड, और दोनों और भी हो गया। अब बात करते हैं एक दो एग्जांपल नॉट का, ठीक है, कि क्या चला, क्या हो गया, एक सेकंड वो, हाँ आ गया, तब ये इसको देखो, लेट्स सी नॉट कॉम्बिनेशन, यानी नॉट वाले का एग्जांपल देखते हैं। तो इसको देखो, इसको देखने की जरूरत है कि a बराबर 5 नॉट, यानी 5 से पहले, यानी 5 कोई भी संख्या, कोई भी मतलब एंटिटी रहे, उससे पहले ये नॉट लग जाए, इसको नॉट बोलते हैं, इसका मतलब हो गया उसका जस्ट उल्टा। तो बताओ हर इस नॉट है आपका 5 है, नॉट 5 है, तो हर एक नॉन जीरो हम क्या मानते हैं, कोई भी संख्या, कोई भी नॉन जीरो, नॉन जीरो बोले तो ऐसा चीज जो जीरो ना हो, तो 5 क्या जीरो है? देखो बाबू, हर वो एलिमेंट जो नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो, उसको ना ट्रू मानते हैं। ट्रू को क्या बोलते हैं हम लोग, 1। क्या हमने नोट्स में भी लिखवाया, मतलब लिखे देखे थे ना जी, कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज द ट्रू, या दैट इज 1। नहीं याद आ रहा है कुछ भी? एक एग्जांपल हम ये भी बताए थे आप लोगों को,
कि एक एग्जांपल लगा हुआ आप लोग को याद आ रहा है कि इफ यहाँ पर है और यहाँ पर पांच दिया था तो हमने तो वहाँ बताया था, तो आप लोग ध्यान रखिए कि और नोट्स नहीं बनाते हमारे ख्याल से इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं बनाओगे तो अपने पछताओगे, ऐसा क्या है। खैर चलो, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो ए बराबर फाइव नॉट है, यानी फाइव नॉट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पांच को हम क्या, हर एक ये नॉन जीरो है आपका, पांच क्या है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं, यानी वन का मतलब वन से पहले नॉट लग गया, एक पांच जो है ना वन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो नॉन जीरो है, और ये क्या हो गया वन का कॉम्प्लीमेंट यानी वन का नॉट। वन का नॉट क्या होता है जी, अब जीरो, जीरो तो आ गया जीरो, तो देखो यानी वन और क्या कहते हैं नॉट फाइव, क्योंकि हर जीरो माना जाता है, इसी नॉट फाइव मतलब इम्प्लाई करेगा नॉट वन के, और नॉट वन इम्प्लाई करेगा जीरो को। क्या कोई समस्या, लॉजिक भी दे दिए हैं, हिंदी में भी दे दिए हैं ताकि कोई समस्या ना हो। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, ए ए नॉट जीरो, तो ए नॉट जीरो वो नॉट लगा हुआ है, जो कॉम्प्लीमेंट यानी, अरे गलती बोल दिया आप लोग, अरे जीरो के पहले नॉट लगा हो इसका क्या होगा, मतलब क्या आंसर होगा इसका, इसका जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन जी वन। जीरो का नॉट वन और वन का नॉट जीरो। फिर से बताते हैं, देखो देखो वन का नॉट लग गया तो ये वन, ठीक ना। देखो कोई भी एलिमेंट आपका है अगर उसके पहले नॉट लग जाए, लो हमने कहा कि ये दो है, ठीक है, दो के पहले अगर नॉट लग जाए, आवाज आ रही है, यस सर, कट रहा है आवाज क्या, कभी कभी सर कट रहा है, आवाज कट रही है, नो सर अभी नहीं सर होगा। अच्छा तो हम ये कह रहे हैं ना कि देखो उसको हटाओ, वन का अगर हम नॉट करेंगे यानी नॉट ऑपरेशन तो ये होगा जीरो, और जीरो का अगर नॉट करेंगे तो ये होगा आपका वन, याद रखो हमेशा, इसको बोलते हैं नॉट नॉट ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए नॉट जीरो यानी जीरो के पहले नॉट लगाए हैं तो क्या रिजल्ट देगा, वन वन, ठीक। और यहाँ हाँ चलो, अगर मैं ये बोलूँ कि कहीं पर वन है या वन से पहले मैं नॉट लगा दूँ, वन का नॉट क्या होगा, जीरो जीरो, बस हो गया। एक ये पूछता हूँ या आइए गया, इसको देखो कि ए नॉट फाइव, नॉट बराबर नॉट फाइव क्या है, यहाँ पर देखो ये आपका जो है ना ये पांच के पहले है तो ये पांच का नॉट हो गया, और ये आपका जो है ना ये वाला सिंबल देखो जरा बता रहा हूँ, है ये वाला देख रहे हो, तो ये आपका क्या है, नॉट बराबर नॉट यानी इनइक्वालिटी, हाँ इनइक्वालिटी। तो बस हमको देखो यहाँ पर दो ऑपरेटर है दिखा रहे हैं, यहाँ पर दो है, एक ये है जिसको नॉट बोलते हैं, ये है इनइक्वालिटी। तो अब बताओ दोनों में से पहले किसको ऑपरेट करेंगे, इस नॉट वाले को कि पहले इस बराबर नॉट वाले को, मतलब इनइक्वालिटी वाले को। तो हम फंस गए यहाँ पे, तो हम सोचेंगे कि क्या करना है, तो क्या करना है बाबू बताते हैं। देखो ये आपका है आपका यूनिटी ऑपरेटर और ये आपका है रिलेशनल ऑपरेटर, है कि नहीं है, आपको ध्यान में होगा क्योंकि यूनिटी ऑपरेटर अभी जस्ट बताए थे कि मतलब पिछले क्लास बताए थे कि यूनिटी ऑपरेटर आपका कौन कौन है, प्लस है, माइनस है और एक वो नॉट है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि नॉट यूनिटी ऑपरेटर मतलब जिसको हैंडल करने के लिए, जिसको ऑपरेशन करने के लिए एक ही को वेरिएबल की जरूरत है। जैसे मैं अभी बोला कि पाँच के पहले नॉट लगा दो, यानी क्या इसके लिए इस नॉट को ऑपरेशन करने के लिए एक ही को डेटा की जरूरत पड़े ना जी, पाँच का जरूरत पड़े ना,
तो इसलिए ये यूनिटी ऑपरेटर है। तो सबसे पहले आपको बताए भी थे कि सबसे पहले आपका पेरेंथेसिस, ठीक है ना, वन में, ठीक है, दो में बताए थे क्या, एक वन था, दो में बताए थे कि यूनिटी, आप बोलोगे सर नहीं बताए थे, तो यही आपका यूनिटी ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर है। और आपका यूनिटी एक और भी है, प्लस माइनस भी, ये तीनों आपका यूनिटी की तरह काम करता है। एगो हो गया आपका नॉट, एगो प्लस जोड़, एगो घटाओ, ठीक है ना, जिसमें जोड़ और घटाओ के बारे में बताए थे, ये दोनों तरह की काम करता है, यूनिटी की तरह भी और बाइनरी की तरह भी। तो सब कुछ आप भूलोगे तो कैसे होगा। चलो तो यहाँ पर देखो, तो पहले हम किसको हैंडल करेंगे, इसको हैंडल करेंगे, तो यानी पांच से पहले नॉट है, पांच से पहले नॉट है, तो इसको इसका कितना देगा आंसर जी, इसका मतलब सर ये माने जीरो के बराबर नहीं है, वन के बराबर नहीं है सर। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हर एक पांच को, यानी हर ऐसा संख्या जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो के अलावा कुछ भी है, बराबर, हाँ जीरो के अलावा कुछ भी है, तो उसको हम क्या मानते हैं, वन मानते हैं, और वन से पहले नॉट लग गया, तो ओवरऑल कितना हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर एक स्टेप में यही किया है कि देखो यहाँ पर एज इट इज पांच को ना वन की तरह वन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पांच एक नॉन जीरो है और इसलिए इसको वन कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद एज इट इज उतार दिए हैं, देखो उसके बाद इसको एक मिनट, अब इसको एज इट इज उतार दिए हैं की तरह, बस पांच के स्थान पर वन रख दिए हैं, ठीक ना, पांच के स्थान पर वन रख दिए हैं। अब ये क्या हैंडल, ये क्या देगा आंसर, यानी ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा, तो देखो वन का नॉट क्या होगा, वन का नॉट तो जीरो होगा, ठीक है ना, तो ये जीरो आपका जीरो रख दिया यहाँ पे, और ये जो बराबर नॉट है यानी नॉट इक्वालिटी, इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, एज इट इज को उतार दिए यहाँ पे, यहाँ पे उतार दिए। अब बच गया मेरा इक्वेशन, एक्सप्रेशन ऐसे कि जीरो बराबर नॉट फाइव, तो क्या जीरो बराबर नॉट फाइव एग्जैक्टली सही, मतलब एकदम सही बात है कि जीरो पांच के बराबर नहीं है, यानी मेरा ये आंसर क्या हो गया, वन आ गया आंसर, ठीक है ना। अब देखो इस एग्जांपल को देखो कि ए और इसके पहले नॉट यहाँ पर है और इसके बाद पेरेंथेसिस है कि नहीं, कोस्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोस्ट वाले को हैंडल करेंगे, कोस्ट वाले को हैंडल करेंगे, हाँ कोस्ट वाले को हैंडल करेंगे। हाँ, कोस्ट के अंदर में जाने के बाद हमने देखा कि इसमें और झमेला है, एक यहाँ पर है लेस देन का, एक मतलब एक ग्रेटर देन का यहाँ पे है, और ये गो एंड यहाँ पे है, तो चलो ये तो क्या है, रिलेशनल लॉजिकल है, ये सर एंड एंड का लॉजिकल, हाँ तो एंड क्या है, लॉजिकल है, और ये क्या है आपका लेस देन, ये वाला क्या है, रिलेशनल है, रिलेशनल है, तो रिलेशनल को पहले हैंडल करेंगे, तो पहले रिलेशनल को हैंडल करेंगे, ठीक है ना, चलो हैंडल करते हैं, यानी टू लेस देन फाइव, ट्रू दे देगा तो ये ट्रू हो गया आपका वन, टू ग्रेटर देन फाइव फॉल्स हो गया, क्योंकि दो बड़ा नहीं है पांच से, तो ये आपका फॉल्स दे दिया। अब इसको हैंडल कर लेंगे कि अब इसको हैंडल करेंगे, तो पेरेंथेसिस को पकड़ के रखे हुए हैं, तो क्या कहते हैं, अब देखो वन और एंड जीरो, वन एंड जीरो क्या देगा हमको, जीरो, जीरो देगा सर, एक वो फॉल्स आ गया, जीरो देगा, जीरो, बट बढ़िया, जीरो, और जीरो के पहले नॉट लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे नॉट है कि नहीं, तो ये क्या देगा हमको, हमको वन देगा। चलो चलो, तो हम देखो बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, अब शायद आप लोग ना फंसोगे, और उम्मीद करते हैं कि नहीं फंसोगे। चलो यस, देख लेते हैं जो चीज सीखे हैं उसी को एग्जांपल रिमेम्बर करके लिख दिए ताकि आप लोग याद रखो, क्या, व्हेन वी आर वर्किंग विद लॉजिकल और ऑपरेटर, इफ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, देन इट रिटर्न्स वैल्यू इज वन, ऐसा कुछ कुछ कह नहीं रहा है एक्चुअली, ये क्या कह रहा है ना, कि अगर जब कभी हम वर्किंग कर रहे हैं किससे, लॉजिकल और से, यानी इस ऑपरेटर के साथ अगर काम कर रहे हो, इस चिन्ह वाले के साथ काम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में और कंप्यूटर के भाषा में, इससे अगर काम कर रहे हो, तो अगर एनी वन यानी कोई एक एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर कोई एक आपका ट्रू हो गया या दोनों ट्रू हो, तो आपका रिटर्न क्या करेगा, वन करेगा। वही बात जो सीखे हैं, कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका दो है, ए और बी ऑपरेटर है, मतलब ए और बी दो को एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों ट्रू हो गया, तो भैया ये भी ट्रू, अब मान लो कि ये भी ट्रू, तो स्वाभाविक है जैसे ही दोनों ट्रू होता है तो और वाले केस में, या एको को ट्रू रहे तो ऑलवेज वन देगा ना, तो वही उसी बात को लिखा हुआ है, और कुछ खास नहीं।
और इसमें वही बात है एंड वाले की बात लिखे हुए हैं कि इन लॉजिकल एंड ऑपरेटर की एंड वाले लॉजिकल ऑपरेटर में अगर बोथ या ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू देन ओनली रिटर्न ट्रू। कहने का मतलब एंड में ये बोले हैं कि अगर आपको देखो चलो ए है और एंड एंड चलो बी है, चलो मान लेते हैं चलो ए और एंड सी, तीन गो एक्सप्रेशन है ए बी और सी। अगर ऐसे वाले केस में अगर एंड ऑपरेटर है बीच में तो इसको ट्रू होने के लिए क्या होगा, सब ट्रू होना पड़ेगा ना जी। यस सर, तीनों को फिर ट्रू होना पड़ेगा। यही इसी बात को लिखे हुए हैं कि ट्रू होना पड़ेगा। अगर कोई एक को फॉल्स कर गया, धोखा से बीच में फॉल्स कर गया कोई एक टा, फॉल्स पूरा का पूरा फॉल्स कर देगा। चलो समझ में आया बाकी लोगों को? यस सर। आगे बढ़ते हैं, दोबारा आ गया फोटो, दोबारा है चलो। चलो आपका वो जो मैथ था थोड़ा बहुत वो फिलहाल के लिए पॉज हो गया। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट को, देखो कुछ पॉइंट आपको जानने की जरूरत है। किस क्या है जानने की जरूरत कि आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना केस सेंसिटिव होता है। कहने का तो क्या बोल दिया सर कि देखो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, इस वर्ड पर ध्यान दो। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया वो जस्ट ये लिखा हुआ है कि हम दिखाते हैं कि ए ये बड़का है कि बड़का है बी जी, ये दोनों ए बी ठीक है ना, और ये स्मॉल ए और बी। हाँ तो ये कह रहा है केस सेंसिटिव यानी काफी सेंसिटिव है आपका सी लैंग्वेज, एक तरह से समझो केस सेंसिटिव यानी ये कह रहा है कि आपका सी लैंग्वेज में बड़का एक अलग मतलब होगा छोटका एक अलग मतलब होगा जैसे हमारे भाषा में होता है। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन हम ये कहेंगे ना अपने हिसाब से कि बड़का ए है तो कंप्यूटर भी इस दोनों में अंतर स्थापित करेगा वहां पर। तो इसी को बोलते हैं ना, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं केस सेंसिटिव। कहने का मतलब ये कि एक तरह और एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल तो हालांकि दे ही दिए हैं। देखो इसको देखो ए बी और सी और यहाँ पर इंट है, ये बड़ा अक्षर में ना, तो बड़ा अक्षर को क्या बोलते हैं अपर केस बोलते हैं, बड़ा अक्षर में जो होता है उसको बोलते हैं अपर केस ठीक है। और यहाँ पर देखो वही चीज है, यहाँ पर जो चीज यहाँ पर है आपका जो चीज यहाँ पर ये ए बी सी सब ये बी सी सब इंट सब वही चीज यहाँ पर देखो ये है बी है सी है इंट है और देखो एक्स्ट्रा प्लॉट मार दिए हैं। तो देखो यहाँ पर बस छोटा में है प्लॉट, तो इसको बोलते हैं ना छोटे वाले अक्षर को बोलते हैं हम लोग लोअर केस। छोटा जिसको अक्षर बोलते हैं हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं लोअर केस, लोअर मतलब छोटा इसको छोअर केस। और इसको बोलते हैं बड़का वाले अक्षर को बोलते हैं हम लोग अपर केस। तो यही कह रहा है कि आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके सेंसिटिव लैंग्वेज दैट इज अपर केस यानी बड़ा अक्षर एंड लोअर केस छोटा अक्षर बोथ आर डिफरेंट ठीक है। लेकिन फिर वही जावा में सर, जावा में आप ऐसे इंट लिखो जैसे को ऐसे इंट लिखो जावा में चाहे ऐसे इंट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। तो वो आपका केस इन सेंसिटिव हो गया और सी लैंग्वेज में ऐसी बात नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग भाई साहब हैं और ये अलग भाई साहब हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिव ठीक ना। हेलो यस सर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जानते हैं पहले से कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल एग्जिस्टिंग कीवर्ड, एग्जिस्टिंग मतलब क्या जो आपका अस्तित्व में है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि ऑल एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स एंड प्री डिफाइंड फंक्शन आर अवेलेबल इन लोअर केस ओनली ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सब के सब प्रीड और कीवर्ड्स और साथ साथ प्रीडिफाइंड फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शन बोलते हैं जो पहले से डिफाइन किए गए हैं वो सब के सब अवेलेबल है किस में, लोअर केस। लोअर केस मतलब क्या छोटी अक्षर में। एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे एग्जांपल देखो कभी आप लोग नाम सुने होंगे कीवर्ड का, नाम सुने हैं वॉइड का, नाम सुने हैं इफ का, नाम सुने हैं ये सब ना कीवर्ड है, ये सब ना छोटी अक्षर में छोटा अक्षर में लिखा जाता है। भाई इंड का नाम सुना है तो ये भी आपका छोटा अक्षर में लिखा जाता है। और ये तो हो गया आपका कीवर्ड हो गया ये तीनों, और कीवर्ड के बाद ये क्या बात कर रहा है प्रीडिफाइंड फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि ये भी आपका छोटा अक्षर होता है। जैसे देखो math.h ये आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है, math.h नहीं दिख रहा है दिखाते हैं, या sqrt स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको ये आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन, ये सब छोटा अक्षर में लिखा जाता है। अगर आपने गलती से ऐसे लिख दिया
एस बड़का अक्षर में क्यू आर टी, तो इस ये वाले में और ये वाले में अंतर समझेगा। ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन कंप्यूटर समझेगा कंपाइलर, लेकिन फंक्शन नहीं, क्योंकि आपने बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है। और नियम ये कहता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन हैं और कीवर्ड्स है वो होगा आपका लोअर केस में, यानी छोटा अक्षर में, ठीक ना। तो यही वर्ड है आपका यहाँ पर लिखा गया कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल एग्जिस्टिंग कीवर्ड, हर वो मतलब जितने भी कीवर्ड्स है वो और प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना, वो अवेलेबल इन लोअर केस, लोअर केस, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो जैसे कुछ एग्जांपल है कीवर्ड्स के, इंट है, प्लॉट है, वाइड है, इफ है, इल्स है, रिटर्न है, वोलाटाइल है, कैरेक्टर है, स्ट्रक्ट है, एनम है, वाइल है, स्टैटिक है, साइज ऑफ एक्सटर्न है, डबल है, एनम दोबारा लिखा गया, ऑटो, ब्रेक, केस, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, ईटीसी, ये सब देख रहे हो, सब में इंटायरली देख रहे हो, सब में, इन सब में सब के सब छोटा अक्षर में, यानी जितने भी कीवर्ड्स है ना वो सब आपके छोटे अक्षर में है। और रही बात प्री डिफाइंड फंक्शन की, ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये आपका, ये देखो यहाँ पर लिखे हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, और ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है कितना, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, स्क्यूआरटी, टेन थीटा, कॉस थीटा, एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन थीटा, ये सब क्या है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी जिसका कंप्यूटर में पहले से डेफिनेशन डिफाइन किया गया है, आपको ये सब के बारे में जानकारी मतलब ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत ना है। तो ये सब आपका क्या हो गया, आपका प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया है सब। तो ये सब देख रहे हो सब छोटे अक्षर में, कोई भी बड़ा अक्षर ना लिखा हुआ है, यही कह रहा है आपका कि आपका कीवर्ड दो एंटिटी, यानी दो ऐसा भाई साहब, ये गो भाई साहब के कीवर्ड्स जितने भी हैं, और ये गो है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, ये सब किस में होना चाहिए, तो लोअर लोअर कैरेक्टर में, यानी लोअर केस में, ठीक। यस सर। अब देखो आपका आ गया पहला प्रोग्राम, आपके क्लास का फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम की, पहला प्रोग्राम क्या होता है, देखो आपको ये है ना, देखो प्रोग्राम को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी, वो सब हम बताते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये नया है तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, हैच इंक्लूड, हैच इंक्लूड है ना, ये हैच इंक्लूड stdio.h। दूसरा में है क्या आपका void main, और एक फंक्शन है, ये ब्रैकेट खुलता है तो क्या है फंक्शन है, तो मेन फंक्शन है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है आपका ये मध्यम कोष्ठ शुरू होता है, ब्रैकेट आपका शुरू होता है। उसके बाद है आपका प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर में हेलो वेलकम, और उसमें भी आपका अपर डबल ऊपर में क्यूट लिखा हुआ है, अपर 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 साइज में क्यू लिखा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, हट गया, हटाने दो उसको, तुम हटो। हेलो वेलकम, ये देखो आपका इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं जी, इस चिन्ह को डबल कोट बोलते हैं, ठीक है ना, इस चिन्ह को बताते हैं, इस चिन्ह को डबल कोट बोलते हैं। क्या पर स्टूडेंट जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हाँ बड़ा कॉल आ रहा है। तो देखो ये क्या होगा ना आपको, और एक कोस्ट बंद किया, और उसका आउटपुट आएगा आपका इस प्रोग्राम का, ये आउटपुट आएगा कि आउटपुट क्या आएगा कि हेलो वेलकम, हेलो वेलकम। तो देखो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर कि इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, तो इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या, तो एक वो प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पर इस प्रोग्राम को लिख सकें, तो वो प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं एडिटर, क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं उसको बोलते हैं एडिटर, ठीक है ना। अब उसके बाद उस प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है, यानी कोई ग्रामेटिकल गलती तो नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है ना, और कंपाइलर के बाद हम उसको करते हैं रन। तो हालांकि आपको ये तीनों चीज़ की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका एक ऐसा सिस्टम है जो तीनों चीज़ को रखता है, उसको बोलते हैं IDE, क्या बोल दिए सर, उसको बोलते हैं हम लोग IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। उस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको जस्ट दिखाते हैं, एक लाइन पर हो दिखाते हैं, रुको स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को, काफी पांच लोग हैं, दिखाते हैं, रुक जाओ। देखो मेरा ये सी कोडिंग है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी कोडिंग हम इसको क्लिक करने वाले हैं, इसको क्लिक करने वाले हैं। देखो ये मेरा एडिटर बोले और कंपाइलर दोनों है, या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं आईडीई। देखो मेरा सी कोडिंग खुल रहा है, खुल गया। इसमें पहले से कोई प्रोग्राम है रखा हुआ, मैंने इसको कोड करवाया था पिछले वाले बैच को, वो है। अब हमको इसको पहले हटाना है पड़ेगा कि भाई साहब पहले इसको हटा दूं, तो मैं इसको हटा रहा हूं जस्ट अपना ही, मुझे लिख पड़े, बस वो बैक हो रहा है, रुक जाओ, वो सब हट रहा है। बस 2 सेकंड लगेगा, नहीं रुक जाओ। देखो ये मेरा प्लेटफॉर्म एकदम हो गया सस्ता, यानी साफ, एकदम साफ हो गया। अब इसी को बोलते हैं हमारे को, ये बाकी है, हटाओ। हाँ, यानी मेरा स्क्रीन पूरा हो गया ब्लैंक, पूरा ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है ना। तो अब इस पर हम इसी पर प्रोग्राम लिखेंगे ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडिटर। जिस पर हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं एडिटर। देखो हम बता रहे हैं ना, टेक्निकल ये मोबाइल से शेयरिंग करने का थोड़े डिसएडवांटेज हैं, लेकिन एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोचिंग क्लासेस में जाते पढ़ने के लिए, तो आपको प्रॉपर एक गाइडर की जरूरत पड़ती है। वो गाइडर वहाँ पर 10 को सिस्टम है, एक मिनट, तो 10 को सिस्टम है तो कौन से सिस्टम पर रहेगा प्रजेंटली, और तो कोई एक बार में तो कोई गाइड करने वाला तो एक ही सिस्टम पर देखेगा ना जी। और यहाँ पर मैं सारे स्टूडेंट को एक ही बार में स्क्रीन शेयर करके बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जी, हमको तो लगता है, अब लगता है, ये तो मजबूरी में ऐसा क्लास शुरू किया, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है थोड़ा बहुत जो पेशेंस के साथ पढ़ाई करेंगे। तो मैं एक साथ में सारे स्क्रीन को हैंडल कर सकता हूँ सबको, और सब कुछ प्रैक्टिकल है ना जी। वो अदर ब्रांचेस वाले जो मेंटली बनाए हुए हैं कि बोर्ड का जरूरत पड़ता है, तो एक्चुअली अदर ब्रांचेस वाले को जरूरत पड़ सकता है, खासकर फिजिक्स में, अदर ब्रांच वाले खासकर फिजिक्स में बोर्ड की जरूरत पड़ती है उसको विजुलाइज करवाने के लिए। लेकिन इसमें तो सब कुछ आपका कंप्यूटर है और जिस पर आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे, देखो मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखो ये मेरा एडिटर हो गया, मैं इस पर लिख रहा हूँ प्रोग्राम hinclude.stdio.h, ठीक है। तो ये आपका, ये मेरा वर्जन हिंदी है, आप लोग को अंग्रेजी करने के लिए करता हूँ। ये हैंड रिटन आ गया था, रुक जाओ। अब देखो हैच, जो देखो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, मैं लिखता हूँ hinclude stdio.h, ठीक है ना। तो stdio.h, अब मैं इसको बंद किया और इंटर मारा, हो गया। अब मैं लिखता हूँ int main, int, देखो जैसे मैंने int लिखा तो आ गया आपका int, यानी ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप ये कर रहे हो। उसके बाद मैंने मारा main, ठीक है। अब main के बाद मैंने कोस्ट को ओपन किया, वो कोस्ट को बंद किया और इंटर कर दिया, और उसके बाद मध्यम कोस्ट को शुरू किया। तो देखो जैसे ऐसे न कर रहे हैं वैसे ऐसे आपको ही करना है। तो ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये आपका हैच एस टी ए वाला जो पोर्शन है, ये ना इसको बोलते हैं ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। खासकर इस पोर्शन को, इस हैच वाले पोर्शन को, यानी क्या होता है सर, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कुछ ऐसे मतलब कीवर्ड्स, कुछ ऐसे सिंबल, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर ने पहले से डिफाइन किया गया है, जिसका कुछ अपना ही अलग मीनिंग है, वो भी शॉर्टकट के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये आपका हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैच इंक्लूड, ठीक है। अब उसके बाद 2 पोर्शन है यहाँ पर, और ये देखो stdio.h, इसमें तो stdio का मतलब क्या हो गया, तो बताए थे हम कि stdio का मतलब क्या हो गया, std का std, यहाँ पर गलती है, u वहाँ पर है एक्चुअली, इसको ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ। वहाँ पर मैंने देखो गलती क्या ना वहाँ पे, तो ये आपका एरर दे देगा, stdio अब सही है। तो इस std का मतलब क्या होता है, इतना पोर्शन का, std का मतलब स्टैंडर्ड, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड। और इस io का मतलब क्या होता है, तो एक i का मतलब होता है इनपुट, और ए का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है, तरीके ओ का मतलब होता है आपका आउटपुट, ठीक है।
इस डॉट एच का मतलब क्या होता है, तो इसको एच का मतलब होता है आपका हेडर, एच ए डी ई आर, हेडर फाइल। कहने का मतलब ये क्यों होता है सर हमारे प्रोग्राम में, क्यों देना जरूरी पड़ता है ये आपको, ये देना सबसे पहले बहुत जरूरी पड़ता है इसको stdio.h, वो इसलिए कि आप, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में जैसे ही लिखते हो printf, printf क्या है आपका एक कीवर्ड है, ये लिखते हो printf, तो printf आपका एक स्पेशल फंक्शन, मतलब एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इस printf का मतलब होता है कि कंसोल, यानी इनपुट मतलब आउटपुट फंक्शन। इस printf का मतलब होता है आपका आउटपुट फंक्शन क्या होता है ना, इस printf का क्या करता है कि आपके स्क्रीन पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, जो भी आपका, जो भी आपको स्क्रीन पर डलाना होता है, तो printf को हम बोलते हैं कि भाई साहब तुम हमको ला के दो, तो printf को आप बस कॉल करते हो, printf आपको रिजल्ट ला के देता है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। स्क्रीन को ही हम लोग बोलते हैं कंसोल, टूटी फूटी भाषा में कंसोल स्क्रीन को ही बोलते हैं, यानी कंसोल फंक्शन, कंसोल आउटपुट देता है हमको printf। तो इस printf का इंटरनली ना कुछ अपना फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस printf का डेफिनेशन मान लो, इस printf का मान लो कि अंदर में प्रोग्राम, अंदर में इंटरनली इतना सा लिखा हुआ है पहले से printf के बारे में, बहुत कुछ बारे जानकारी। तो यही printf के बारे में हमको जब जब प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी, तो मेरे पास दो उपाय है कि इस printf के सारी जानकारी को अपने प्रोग्राम में रखें, या इस printf जहाँ पर रखा हुआ है ना डिक्शनरी की भांति, मैं उसका मतलब खाली कॉपी कर लूँ, यानी उसको बस बुला लूँ, कॉल कर लूँ। तो यही जो डेफिनेशन रखा है ना printf का, ये printf का जो डेफिनेशन है ना कहीं पर कंप्यूटर में आपके, ये का डेफिनेशन पहले से डिफाइन किया गया कहाँ पर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। तो हेडर फाइल एक तरह से ये हो गया, एक तरह से फाइल है, एक तरह से फाइल है जहाँ पर, एक तरह से बहुत बड़ा फाइल है, एक तरह से बोले बहुत बड़ा फाइल है जहाँ पर अलग अलग एंटिटी का, प्रीडिफाइंड फंक्शन का अपना अपना मतलब डेफिनेशन पहले से डिफाइन किया गया। जब आपको जरूरत पड़ती है तो उसके नाम को ही केवल बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में और उसे काम चला लेते हैं। तो हमारा फायदा क्या होता है कि हमको उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत ना है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर आपको टीवी से मतलब है तो टीवी का बटन से मतलब रखो, बटन के अंदर में क्या काम हो रहा है उसे मतलब ना रखो। ठीक उसी प्रकार समझ में आया, तो stdio.h ये हमारा हेडर फाइल क्यों होता है हमारे प्रोग्राम में और इसकी जरूरत क्यों है। जो आपका काम से काम मतलब रखना है तो काम से काम मतलब रखना है, तो इसलिए हमको हेडर फाइल .h की जरूरत पड़ती है। रुको, इसकी मुझे जरूरत पड़ती है क्योंकि जब कभी मान लो आपने डाल दिया ऐसे, जब कभी आपने अपने प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर दिया कि scanf, ठीक है ना, scanf का इस्तेमाल किया, scanf फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो scanf ठीक उस बटन टीवी के उस बटन की तरह हो गया, जो आपको बटन को बस दबाना है काम हो गया। हमको बटन के अंदर में कैसे रिमोट जाता है, उसके अंदर में कैसे लाइट पार्टिकल को या इंफ्रारेड पार्टिकल से कैसे ट्रैवल करता है इंस्ट्रक्शन, उससे मतलब नहीं है। वो बस scanf को बुलाएगा, scanf जो scanf का डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइन किया रहेगा, तो आपका इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में डिफाइन किया रहेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, वहाँ पर डिफाइन किया रहेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। बस एक गलती आप मत करना कि अगर आपने इसको हटा दिया, ठीक है ना, इसको हटा दिया और अब आप लोग अपने प्रोग्राम में, अगर आपने कहीं पर अपने प्रोग्राम में इस scanf को इस्तेमाल किया है, तो आपका कंपाइलर क्या जाएगा, अच्छा scanf का इस्तेमाल किया बाबू, कोई बात नहीं, चलो scanf का इस्तेमाल किया है तो कोई बात नहीं, चलो इसका मतलब कहीं पर डिफाइन किया होगा आपने, तो लो आपने उसका सोर्स ही नहीं बताया कि कहाँ इसका मतलब डिफाइन किया है, तब आपका कंप्यूटर एरर दे देगा, आपका कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि बोलेगा अनडिफाइंड डिक्लेरेशन, यानी आपने इस scanf का इस्तेमाल तो कर लिए हैं लेकिन इसको कहाँ डिफाइन किया है आपने, कि आपका इसका सोर्स कहाँ पर है, आप इसके बारे में जानकारी कहाँ छिपा हुआ है, वो रास्ता ही नहीं बताया है, इसलिए आपका वो एरर दे देगा। तो इम्पोर्टेंस हम समझ गए ना कि हम अपने प्रोग्राम में क्यों डालते हैं scanf, सॉरी वो stdio.h। कुछ ज्यादा हो गया क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो हम, आप देखो इतना ही नहीं, देखो ये तो हम प्रैक्टिकली बताएं आपको, अब क्या कहते हैं, सब कुछ हम लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ताकि रिवीजन करो तो अभी हम समझ गए, ठीक है सर, लेकिन 10 क्लास के बाद भूल जाएंगे, उसका व्यवस्था किए हुए, टेंशन मत लो आप। एक मिनट, स्क्रीन छोटा हो गया। ये आपका है आपका पहला प्रोग्राम, तो अभी अभी जो मैंने बातें बोला वही बात है। सबसे पहले आपका ये होना चाहिए देखो ये, देखो यहाँ पर सबसे प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम में सबसे पहला लाइन क्या है आपका, हैच
इंक्लूड stdio.h ये क्यों होना जरूरी है, क्योंकि ये उसका एक तरह से सोर्स हो गया कि जो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो printf इस्तेमाल किए, तो printf आपका एक रेडीमेड फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर में क्या सब है हमको उससे मतलब नहीं, बस मैं हाँ बोलो, इसमें लेस देन ग्रेटर देन कोई मायने रहता नहीं, नहीं नहीं वो आपका लेस देन माइनस वो यहाँ पर नहीं रहता, ये आपका एक मेथड हो गया, एक मॉड्यूल हो गया, जिसको हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज को जिन्होंने डेवलप किया ना उन्होंने ये डिजाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आप मतलब है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि ये आपका यहाँ पर लेस ग्रेटर देन ही है, ये आपका लेस देन ही है, लेकिन इसके साथ क्या कंबाइन किया गया, ये कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो देखो एक मिनट बताते हैं आपको, ठीक उसी तरह होता है जैसे मैथ में होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर 5.5 लिखूं तो इसका मतलब हो गया दशमलव मैथ में, ठीक है ना। अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर डाल दूं, एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर डाल दूं, जैसे अगर उस लैंग्वेज में बात करूं कि ये लो बराबर के नीचे पॉइंट होता है, खाली पॉइंट होता है, तब इसका पॉइंट को हम पॉइंट ना बोलेंगे, ये हो गया इसका मतलब नॉट हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें दो एंटिटी है, यानी दोनों को मिला के नया अर्थ निकल गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये होता है। वहां पर हैच तो है, मतलब लेस देन इक्वल टू है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, लेकिन उसके पहले भी और एंटिटी है, उसके पहले भी ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, इस तब जैसे ये एंटिटी हो गया तो इसका एक मतलब हो गया कि इसका एक मतलब हो गया। कंपाइलर यही तो चेक करता है, यही तो चेक करता है कि आपने सही सही से कुछ चीज जो चीज पहले से डिफाइन किया है आपने वो तो लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर मान लो आपने गलती कर देता कि अगर आपने क्या गलती कर देता कि ये इसको भूल जाते आप इसको भूल जाते इस ग्रेटर वाले को भूल जाते तो आपका कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि आप बोलता कि भाई साहब आपने सही से मॉड्यूल को डिफाइन ही नहीं किया है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि आपने गलती किया हुआ है, इसको छोड़ा हुआ था, समझे ना बात को। तो ऐसा नहीं कि वो उसका ये अपना वजूद भुला गया, ये तो आपका ग्रेटर देन ही है, बस ये है कि इसके साथ कुछ और चीज आ गया ना तो उसका मतलब कुछ और हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ तो चलो हम बात करते हैं, ये आपका समझ गए, ये आपका void है, तो void देखो तो ये void एक कीवर्ड है, ठीक है ना, जो स्मॉल अक्षर में लिखा हुआ है, इसको और क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब ये देखो मेन क्या है कि मेन आपका एक फंक्शन है, क्यों है फंक्शन, क्योंकि सर मेन तो लिखा हुआ है बहुत बढ़िया, और हर एक फंक्शन ऐसे होता है, उसके बाद ये कोष्ट खुलता है, छोटी कोष्ट और बंद होता है, यानी हम जैसे मैथ में पढ़ते थे फंक्शन का पहचान ही ऐसे होता है ना, बस वहां पर होता था एफ नाम का होता था फंक्शन ऐसे बस, और यहाँ पर मेन नाम का फंक्शन है, तो ये आपका मेन एक फंक्शन है, यहीं से आपका प्रोग्राम जितना ही प्रोग्राम है ना आपका मेन से ही शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है, इसके इसी के अंदर में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। आप उसका अगला लाइन क्या है आपका, ये तो ये आपका हो गया कि मेन फंक्शन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ से मेरा मेन के अंदर में प्रोग्राम है, यहाँ से अब इसके बाद से मेरा यहाँ से है। देखो printf hello welcome, ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है printf hello welcome, और इसके बाद ये बंद हो गया बात खत्म, यानी आपका छोटा सा प्रोग्राम, बस इस प्रोग्राम में आपका बस इतना ही पार्ट है यहाँ से लेके ये इतना वाला पार्ट, ये आपका आ गया। आपके स्क्रीन पर क्या आएगा, तो हेलो वेलकम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि printf के अंदर में डबल क्यूट के अंदर में printf वाले फंक्शन में डबल क्यूट के अंदर में जो चीज रहता है ना उसको एज इट इज छपास कार्यक्रम प्रिंट मशीन की तरह प्रिंट कर देता है। तो देखो यहाँ पर ये डबल क्यूट के अंदर में, इस डबल क्यूट के अंदर में क्या है, आपका हेलो वेलकम है, आपके स्क्रीन पर एज इट इज छप गया, क्योंकि printf का काम है, printf का काम क्या है कि छपास कार्यक्रम करना, खासकर वहां पर जहां पर डबल क्यूट के अंदर में जो एंटिटी रहे। तो यहां पर देखो ना डबल क्यूट के अंदर में क्या क्या है, डबल क्यूट है डबल क्यूट के अंदर में क्या है आपका हेलो वेलकम है ना, तो हेलो वेलकम मेरा एक और स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये हेलो वेलकम। तो यही है आपका फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसी को हम अगर लिखते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट को लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाए, कितना टाइम हुआ है, 5 मिनट बाकी है, देखो लिखे देते हैं, देखते हैं, देखो हैच include हैच इंक्लूड छोटी कोस्ट शुरू करते हैं, छोटी कोस्ट ये कहाँ गए, छोटी कोस्ट जैसे जैसे हम करते हैं वैसे जैसे आपको करना पड़ेगा stdio.h बंद किए, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया, इंट मेन है ओपन किए, अब देखो इसके बाद printf
PRI देखो जैसे PR डाले ना तो आपको हिंट मार देगा प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ इसमें हम डालते हैं, चलो उसमें कुछ और था तो हम मारते हैं हेलो विश्वजीत, ठीक है ना, अब हम मार दिए, अब इसको हम ऐसे करके, तो देखो आप लोग देख रहे हो कोस्ट में पांच लाइन का कोड है, पहला लाइन पे ये है आपका, पहला लाइन पे ये है, दूसरे लाइन पे ये है, देखो दूध दिख रहा होगा, तीसरे लाइन पर मध्यम कोस्ट है, चौथी लाइन पे ये है, पांचवा लाइन पे ये है कि नहीं है, मेरे पांच लाइन का कोड है, ये बता रहा है कोड की संख्या, कोड के लेंथ कितना है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको रन लिखा हुआ है, रन लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं क्लिक करने वाला हूँ, क्लिक किया मैं तो क्लिक हो गया, बता रहा है अभी भी कि इसमें कुछ आपने सर गलती किया है, तो गलती क्या क्या हुआ है तो देखो बता रहे हैं क्या मैंने गलती किया है, इंट मेन इस्तेमाल किया, hinclude stdio, देखो गलती क्या क्या, देखो यहाँ पर मैंने खुद गलती किया है, आप लोग गलती पकड़ सकते हैं तो पकड़ो, देखो यू देख रहे हो, यू नहीं होगा, हाँ तो यू नहीं होगा वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे गलती किया, देखो इरर दे देगा ना जी, वो आपका इरर ऐसे ही दे देता है, stdio अब सही है। अब मैं इसको फिर से रन कर दिया, तो रन आ गया, अब देखो क्या आ गया आपके स्क्रीन पर, रन कर दिए बाबू हम, देखो आपके स्क्रीन पर क्या आया है रिजल्ट, हेलो विश्वजीत आ गया ना, हाँ तो देखो तो ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही पहला प्रोग्राम है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एज इट इज आपको प्रोग्राम में भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब प्रोग्राम हम आपको रन करके दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट देता है, ऐसे नहीं देते हैं, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल से हो जाएगा, बस आपका ये वाला प्रोग्राम, ये वाला सी कोडिंग आप इंस्टॉल कर लेना, अभी जरूरत नहीं है, जैसे प्रोग्राम बता देंगे वैसे करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल इस पर जाओ, इस पर क्या बोलते हैं प्ले स्टोर पे, और इस पर इस प्रकार का लोगो जो होगा ना वो आप इंस्टॉल कर लेना। सर हैश इंक्लूड कोनियो का यूज क्या है? हाँ वो भी करते हैं, देखो बताते हैं आपका ना, आपका जो जैसे हम इसमें इस्तेमाल किया, ये मेरा जो एडिटर है, ये जो एडिटर है, तो इसमें हम कोनियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर भी हो जाएगा, जैसे आपका एडिटर ना बहुत प्रकार के होते हैं, टर्बो हो गया, क्या कहते हैं देव हो गया, क्या कहते हैं टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, देव सी प्लस प्लस का वर्जन हो गया 3, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो कुछ में करने की जरूरत पड़ती है, कुछ में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी आपका ना कंसोल इनपुट आउटपुट ही है, क्लियर कर देंगे, ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, हम पांच लगता है बजने वाली है, आज के लिए रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आज वाले क्लास में।